गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक अपडेट के बारे में बात करेंगे। ये अपडेट स्पेशली आया है BLISOL के स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखें, BLISOL के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो, और जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो अपडेट आया है उस अपडेट के बारे में बात करेंगे। वो अपडेट है स्टूडेंट BLI 224 प्रैक्टिकल और BLIE 229 प्रैक्टिकल के बारे। पहले जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब ये दो ऑप्शन आपके एग्ज़ाम फॉर्म में नहीं होंगे, BLI 224P और BLI 229P। स्टूडेंट्स, अब ये ऑप्शन आपका आ गया है। अब एग्ज़ाम फॉर्म में आपको ये दोनों प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी सिलेक्ट करने होंगे और इनकी फीस भी पे करनी होगी। पहले जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है उनके लिए फीस 2200 रुपये थी, 2200 रुपीज़ थी, क्योंकि ये दो ऑप्शन नहीं थे। और प्रैक्टिकल की फीस जैसे कि आपको पता है 300 ईच है, तो आपकी ये दो पेपर और ऐड हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि सर हम तो पहले ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर और इनकी फीस पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी इसकी लास्ट डेट है, ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल, तो आप 30 अप्रैल से पहले ये दोनों पेपर आप अपने अपडेट कर दें और इनकी फीस जो है वो आप फिल कर दें, मतलब पे कर दें। तो स्टूडेंट इसे करना क्या होगा, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट पहले फॉर्म भर चुके हैं वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया है वो भी इसे फिल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल, जो आपने पहले फॉर्म फिल किया था वो सारी डिटेल आपसे आपको दोबारा से फिल करनी होगी। मीन्स एक तरह से ये मानकर चलें आप एक एग्जामिनेशन फॉर्म और फिल करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से फॉर्म फिल करने में, क्योंकि ये बाद में अपडेट आया है, तो आपको ये अपडेट अब करना होगा, तभी आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ पाएंगे, तभी आपके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट चेक हो पाएंगे। जो भी ये प्रैक्टिकल का प्रोसेस होता है वो तभी कंप्लीट होगा तब आप इसकी फीस पे कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ BLISOL ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो स्टूडेंट जुलाई 2023 सेशन के हैं, मीन्स जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन जुलाई 2023 में लिया है या फिर उससे पहले लिया है, वो इस फॉर्म को फिल कर देख सकते हैं। उनका किसी कारणवश ये प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हो पाया तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी, ध्यान से सुने, जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, ये एग्जाम फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वो उन स्टूडेंट्स के एग्जाम दिसंबर 2024 में होंगे, तो आपके सितंबर अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे, आप तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं, हम किस प्रकार से इस फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट पहले ये फॉर्म फिल कर चुके हैं वो भी दोबारा इसे कर सकते हैं, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी इसे दोबारा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको इग्नो की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे हम यहाँ इग्नो की वेबसाइट पर हैं, igno.ac.in ये ब्राउजर में लिखेंगे तो ये एग्जाम फॉर्म लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे किस प्रकार से आप ये प्रैक्टिकल के आप अपने एग्जाम फॉर्म के लिए अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद क्लोज, और नीचे स्क्रॉल कर हम यहाँ वही प्रोसेस है जैसे आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है, और ये वीडियो स्पेशली BLISOL के स्टूडेंट के लिए है, तो ये ध्यान से देखें। यहाँ क्लिक करेंगे और इसे प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आप अपना यहाँ एनरोलमेंट नंबर ऐड करेंगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखें स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट BLISOL सेलेक्ट कर देते हैं, नहीं, आपको BLISOL ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप च्वाइस ऑफ एग्जामिनेशन मोड करेंगे, पेन पेपर से देना चाहते हैं या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं, उसके बाद आप इंडिया में देना चाहते हैं या आउटसाइड इंडिया में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहां मैं इंडिया पर क्लिक करूंगा, और यहां क्लिक करने के बाद अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर रीजन चूज करना होगा। ध्यान रखें, रीजन चूज करना होगा, इट मीन्स यहां पर लिस्ट होगी आपके जितने भी इग्नो के रीजनल सेंटर हैं वो। तो आप मान लीजिए रांची में हैं, तो आप रांची में कहीं एग्जाम देना चाहते हैं तो आप रांची को सिलेक्ट करें,
और जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आगे चलकर हम फिल करेंगे। यहाँ ये कैप्चा ऐड करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ देखिए एक स्टेटस दिखाई देगा आपको, स्टेटस ऑफ ऑलरेडी मेड पेमेंट अगेंस्ट इनरोलमेंट नंबर सो एंड सो। आप ये एग्जाम फॉर्म पहले ही फिल कर चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 224 और 229 प्रैक्टिकल को ही अपडेट करना होगा। तो आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर पहले चूज किया है उसे चूज करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, एबीसी आईडी, ये सारा फिल करेंगे। तो चलिए फटाफट हम इसे एक बार फिल कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आपको स्टूडेंट यहां से, अगर आप पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं तो सिर्फ सिलेक्ट करेंगे हम BLI 224P प्रैक्टिकल और दूसरा पेपर हम सिलेक्ट करेंगे BLIE 229 प्रैक्टिकल पे। तो इसे सिलेक्ट करेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है, BLIS OL के स्टूडेंट, तो अब आप इसे दोबारा से फिल कर सकते हैं। और ये करने के बाद स्टूडेंट, चूंकि हम सिर्फ दो ही पेपर अपडेट कर रहे हैं तो इन दोनों पेपर्स की भी फीस हमें पे करनी होगी। पहले आप ये फॉर्म फिल जब आपने किया होगा तो आपकी फीस 2200 रुपये लगी होगी और अब 600 रुपये आपको ये भी पे करने होंगे, तो टोटल फीस आपकी 2800 हो गई है। क्योंकि एक कन्फ्यूजन था, जो BLIS ऑफलाइन के स्टूडेंट्स थे, जो ODL स्टूडेंट थे उनकी फीस 2800 थी और जो आप BLIS OL के स्टूडेंट थे उनकी फीस ये 2200 रुपये होती थी। तो अब ये अपडेट हो गया, अब दोनों की इक्वल फीस है और ये फीस जरूर पे करें आप। और यहाँ अब हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद देखिए स्टूडेंट आपसे ये फीस जो है वो मांग रहा है 600 रुपये और 600 रुपये पे करेंगे। आप कोई भी पेमेंट का मोड जो है वो सिलेक्ट कर पे करें और आप ये फीस पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने इस एग्जामिनेशन फॉर्म को कंप्लीट कीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपके आपके प्रैक्टिकल के जो असाइनमेंट्स हैं वो अपडेट ना हो पाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपके BLI 224 थ्योरी और BLIE 229 इन दोनों थ्योरी के साथ आप प्रैक्टिकल के असाइनमेंट अटैच कर एक ही PDF में अपलोड करें आपके LMS पोर्टल पर। क्योंकि देखिए जो BLIS OL के स्टूडेंट हैं उन्हें स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट नहीं करने होते, उन्हें ये अपने LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर इसे अपलोड करना होता है, तो वहां अपलोड करें और इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसे कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले कुछ टाइम बाद आपकी वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूं तो इस वजह से अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा यूट्यूब पर, तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।